इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के खान आलमपुरा इलाके में, और यहाँ पर ये काफ़ी एक बड़ा इलाका है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। बातचीत का जो मुद्दा है वो यही है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आज़म खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनको जेल भेज दिया गया। ऐसे में जो लोग हैं वो किस नज़र से देखते हैं, क्या उनका कुछ कहना है, बातचीत करेंगे। आप ये बताएं कि जो आज़म खान साहब को और उनके परिवार को जेल भेज दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, यह कानूनी प्रतिक्रिया है। जिस हिसाब से काम हो रहा है वो सबके सामने है। अब जिसको भी जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है। मेन नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए शायद ये प्रतिक्रिया चल रही हो कि इलेक्शन सर पे है। नहीं, उनके खिलाफ तो काफ़ी सबूत थे जिसके बाद कोर्ट ने ही ये फैसला सुनाया है, तो वो तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसले का तो सभी स्वागत करेंगे। जो कुछ भी है, जो ठीक है, उसकी कौन मुखालफत कर सकता है। आप क्या कहेंगे आज़म खान जी को जिस तरह जेल भेजा गया? देखो, क्या सही है क्या गलत है तो कानून जानता है, निर्णय फैसला लेगा। लेकिन जो है उनके जो नेता हैं बड़े, अखिलेश यादव जी, वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जब इलेक्शन सिर पर आएगा फिर मुसलमानों को याद करेंगे, जात बिरादरी वाला काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम वाला काम करेंगे। लेकिन क्या है, जब मुसलमान जेल में जा रहा, उनके बड़े नेता को भी तो बोलना चाहिए। या जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब फिलहाल ये हैं योगी जी, इनसे मुलाकात करें, क्या करना है क्या नहीं, तो कुछ रियायत भी हो सकती है। अगर वो सही है तो सही पाए बाहर आएंगे, अगर नहीं है तो फिर सजा होनी है, जो निर्णय उसका कोर्ट का फैसला होगा। अखिलेश यादव तो कल कह भी रहे थे कि एक विशेष जाति से आते हैं इसलिए इनके साथ अत्याचार। हमने तो अभी तक के देखा नहीं अखिलेश जी को कभी रोड पर उतरे हुए इनके पक्ष में। ये बताइए, आप तो हमारे से ज़्यादा जानते हो, आप तो जनता के बीच में घूमते हो और मीडिया में हो, कभी धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है आज़म खान जी के लिए? नहीं देख रहा उन्होंने, और न कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को खतरा है कि ऐसा ना हो योगी जी हमें डाल दे अंदर। अच्छा, उनको भी तो खतरा है ना। और जब इनके नेता लक्षण आएंगे, अब लक्षण के टाइम पे बाहर आ जाएंगे, मुस्लिम हमारे हैं। अच्छा, अरे मुस्लिमों को पक्ष में उतरो तो, कम से कम उनकी हक की बात तो करो। सही बात, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा भैया बस। आप क्या कहेंगे चाचा, जो आज़म खान साहब को जेल भेजा गया, क्या कुछ कहेंगे आप? जेल क्या है, तो सारे ऐसे घोटाले हैं नेताओं के। अच्छा, हाँ सरकार ठीक है, भाजपा की जो है सारों को चुन चुन के ले रही, मतलब चुन चुन के इनको निकाल रही है। हाँ, चुन चुन को ले रही है सारों को, चाहे कोई भी है, मतलब भाजपा सरकार वैसे ठीक कर रही है। जो आज गुंडा साथ हुआ वो ठीक हुआ क्या? हाँ ठीक ही हुआ, इन्होंने भी कोई जनता पे, ये सांसद भी रहे हैं जी, पर कुछ नहीं करा वहाँ की जनता के लिए। हाँ कुछ नहीं करा जो भाजपा ने किया, योगी जी हैं, अच्छा मोदी जी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लिए इन्होंने मकान बनाए, वो इतने हिंदू के लिए, मतलब हिंदू भाइयों के लिए नहीं मकान है इतने, मुस्लिमों के ज़्यादा बनाए। हाँ, जो जितने मुस्लिमों के लिए मकान दिए मोदी जी ने, वो इतने मतलब हिंदू भाइयों के लिए नहीं है मकान। हाँ, जो जितने अच्छा गुंडागर्दी भी ख़त्म ही होगी। हाँ, पहले तो दिन में ही जाना मुश्किल हो गया था। अच्छा, अब ठीक चल रहा है सर? हाँ, अब तो ठीक सा ही है, मतलब ये नहीं बात है। ठीक आज़म खान जी को जो जेल भेजा गया है, क्या कहेंगे आप उस पर? भाजी पॉलिटिक्स से तो हम बहुत दूर हैं, पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं फिलहाल, वहाँ से तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही। बाकी हमारे अपनी जो सोच क्या है वो ये है कि इलेक्शन टेंथ दौर है, आज़म खान जी का टाइम ज़रूरी है, उन्हें अंदर कर देंगे तो इलेक्शन में थोड़ा और इनके लिए फ़ायदा है, बस इतनी बात मानता हूँ मैं, तो अपना निजी प्रचार है मेरा ये। आप क्या कहेंगे आज़म खान जी? तो जानते ही नहीं। आज़म खान साहब को जेल भेजा गया है, उनके परिवार के लोगों क्या कहेंगे, मतलब क्या जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है क्या गलत हुई है? मेरे हिसाब से तो सही हुई, देखो ये कोर्ट के मामले में तो नहीं बोल सकते। अच्छा, कोर्ट जो कर रहा सही कर रहा। कुछ लोगों को कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, हमें तो भरोसा है। अच्छा, सरकार पे भरोसा नहीं लेकिन कोर्ट पे भरोसा है। चलिए, यहाँ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हैं कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आज़म खान साहब को जेल हो गई है परिवार सहित, तो क्या कहेंगे आप? मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अरे भाई वो तो जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा,
उन्होंने कभी मुसलमान के बारे में सोचा नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जी वो गलत हो रहा सही हो रहा, मुसलमानों कब से जुल्म हो रहा उसने या अखिलेश ने, और अखिलेश भी हराम का बस क्या कहूँ क्या ना कहूँ, अखिलेश भी ऐसा ही है, वो भी इसके बारे में आजम खां के बारे में कुछ नहीं बोलने को तैयार नहीं, चला गया जेल तो चले जाओ, बाहर आ गए तो आ जाओ। ये अखिलेश भी उसका भाई है और वो उसका भाई है, और रही बात ये कि ये इस काबिल नहीं इनको वोट दिया जावे, अखिलेश को भी और आजम खां को तो खैर बेचारा जेल में है ही, तो वो तो पूरा परिवार जेल में चला गया 7 साल के लिए। हमारा तो यही है कि भाई अच्छा खुदा उनका, बस क्या कहूँ क्या ना कहूँ, खुदा उनकी मदद करे। बस आप क्या कहेंगे साहब? बस वो कह ही दिया इन्होंने जो कहा, नहीं कुछ तो आपके मैंने कुछ क्या। अच्छा तो बढ़िया बता दें, आजम खान साहब जो हैं उनको जेल भेजा गया है, तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखो नेता तो सभी अपने अपने, सभी अपना, कोई सोचे मैं जीत लूँ कोई सोचे मैं जीत लूँ, आप उसकी लड़ाई है। और हमारा हिंदुस्तान तो बहुत बढ़िया है, बस एक कमी है गरीब आदमियों के लिए जिनके पास घर नहीं है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, दुनिया को तो 2.5 लाख 3 लाख और जिस पर ज़मीन ही नहीं है वो क्या करेगा, जो मजदूर आदमी पेट भरें 400-500 रुपये की मजदूरी लगी, कभी लगी कभी नहीं लगी, और उनका ना मकान है ना कुछ है, अब 8-10 हज़ार रुपया महीना देना पड़ रहा। अब बिल्कुल हम 71 साल में 2 में 4 महीने कम, यानी कि 70 साल 8 महीने की उम्र आ गई, अब हम बच्चों को क्या खिलावें क्या ना करें हमारी तरफ से, और यहाँ तक के बोर्ड भी कट गया बीजेपी की तरफ से। अच्छा जी, क्या कैसे देखते हैं आप कोर्ट के फैसले को? कोर्ट का फैसला तो गलत है। अच्छा, एक तरफा कार्रवाई है। अच्छा, क्यों हो गई कार्रवाई? अब ये तो वो आजम खां ही बता सकें, हम इस बारे में क्या बता सकें। अच्छा, उनका परिवार के आदमी बता सकें। अच्छा, कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उनकी मदद नहीं कर पाए, तो बात सही है। अच्छा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, अखिलेश यादव सामने नहीं आए। अच्छा, इसलिए उनके साथ जुलम हुआ है। तो देख सकते हैं कि आजम खान को लेकर अलग अलग राय जो है वो सहारनपुर के इस खान आलमपुर इलाके की हैं, और जो लोग हैं वो साफ तौर पर कुछ लोग तो उनकी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जो कार्रवाई उनको हुई है उनके ऊपर उसको लेकर अखिलेश यादव पर भी वो निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो उस कार्रवाई को सही बता रहे हैं। एक बात बताइए, आप कैसे देखते हैं अखिलेश यादव जो आजम खान जी पर जो कार्रवाई हुई है? मैं इसका दबा रहा हूँ, मालूम ही नहीं हमें। अच्छा, चलिए, इनको भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतर जो अधिकांश लोग हैं इस खान आलमपुर इलाके के वो यही कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है सही है, हालांकि कुछ लोग ज़रूर इस कार्रवाई का जो विरोध ज़रूर यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।